नमस्कार, अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस की डिमांड हो रही थी, पर मैथ्स व साइंस के दबाव के कारण अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलिए, इंतज़ार का वक्त खत्म हुआ। चाहे आप 9th के हो, 10th के, 11th के या 12th को किसी भी क्लास के हो, आपके खाते में 16 मार्क्स में ऐड कर रहा हूँ। इस वीडियो में पार्ट 1 अबव एवरेज बच्चों के लिए तैयार किया गया है, तो पार्ट 2 जो है बहुत ही आसान तरीकों से लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश की गई है। बस जरूरत है केवल 1 से लेकर लास्ट तक जो भी है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करने की। और इस बात का भी दावा है कि 10th और 12th के बच्चे मेरे मटेरियल को यूज करके ही आएंगे, यानी कि प्रश्न वो ही आएगा जिस पे यहाँ चर्चा होगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा, ये भी मेरा वादा है। उम्मीद है आप इस चैनल को सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि वो सब्सक्राइब कर सके व एग्ज़ाम डेज में भी हमारी मदद ले सके। यदि आपको हमारी ये पहल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सभी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। से कोई भी बच्चा चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। अब उसके लिए इजी फॉर्मेट है जो मैं जैसे लिख रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैंने ये लिखा, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टोरी इन विच। कॉपी पेन खोल लीजिए, आप सभी कॉपी पेन खोल लीजिए और मेरे साथ लिखते जाइए, जो भी मैं कह रहा हूँ वो लिखते भी जाइए, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और किस तरीके से इसे पुट करेंगे उसको हम देख लेंगे, ठीक है। आप मुझे कोई भी चैप्टर बोलना और उस चैप्टर में मैं इसको पुट करके दिखाऊंगा कि अगली लाइन है यहाँ पे। देखो, मान लो मुझे अगर नेल्सन मंडेला का कर रहे हैं तो मैंने लिखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला, है ना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्लियर। तो जो जिसको अगर बहुत सारी लाइनें खुद की भी याद है तो वो क्या करेगा, उन लाइनों को ऐड करेगा, यहाँ की लाइनों का कम यूज करेगा, क्लियर। जिसको कम याद है वो अपनी उन लाइनों को भी यहाँ फिट करेगा। मान लो हमने अब तक शॉर्ट क्वेश्चंस कई याद किए हुए हैं तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे फिट करूंगा, क्लियर। अब देखिए, द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट लेंचो'स इमेंस फेथ इन गॉड, है ना, लेंचो का बहुत सारा जो फेथ है कहानी उसके बारे में। मान लो मुझे अगर नेल्सन मंडेला पे लिखना होता तो मैं लिखता कि द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट नेल्सन मंडेला स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो और भी चैप्टर, जो चैप्टर बोलोगे मैं उसमें फिट करके दिखाऊंगा। यहाँ तक कि जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करेंगे, द स्टोरी फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट नेल्सन मंडेला, इतना तो लिख देंगे ना वो, इन दिस स्टोरी। अब यहाँ पे भी मेरे पास पूरी फ्रीडम है, इन दिस स्टोरी के बाद यहाँ पे तो मैंने ये लिखा कि लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प व्हेन हिज क्रॉप्स इज रूइंड, है ना। लेकिन अगर मुझे कोई और चैप्टर करना है तो मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इन दिस स्टोरी नेल्सन मंडेला लिव्स लाइक अ मॉन फॉर फ्रीडम, है ना। मुझे और वल्ली का करना है तो मैं लिख सकता हूँ इन दिस स्टोरी वल्ली'स प्लान फॉर हर फर्स्ट जर्नी, ठीक है ना। मतलब जो चैप्टर है उसमें इसको ऐड कर लूंगा। इसके बाद देखिए कि असिस्टेंस बाय द पोस्ट मास्टर एसी एंड हिज एम्प्लॉइज इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का मेन बेस्ट पार्ट आपको लगता है क्यों, तो वहां पे आपने लिखा इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मान लो मुझे कोई भी चैप्टर, आपको मान लो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में लिखना है, इलीगल एक्टिविटीज बाय ट्रिपल इज द मेन बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्लियर। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ह्यूमर इज एट इट्स पीक, ह्यूमर होता है हास्य। मान लो किसी कहानी में आपको ह्यूमर नजर नहीं आता तो आयरनी लिख सकते हैं, सटायर लिख सकते हैं, जो वर्ड आपको लगे कि इज एट इट्स पीक, कि अपने हाइट पे है, हाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। कब, कि व्हेन लेंचो गेट्स एंग्री विद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ओवर 70 पीसेस। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन दो आते हैं, एक तो बंच ऑफ क्रूक्स का भी आता है, तो बंच ऑफ बुक्स में भी ये आंसर फिट हो गया। मैंने कोशिश की है कि एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बन जाए वो भी बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 70 पीसेस का लिखा तो यहाँ बंच ऑफ बुक्स का भी आ गया, और यहाँ पे कॉलिंग डे में बंच ऑफ बुक्स इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, क्लियर। नेल्सन मंडेला में भी लिखते हैं हम तो फ्रीडम इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, क्लियर। तो
जो आपको लिखना है और फिर जिस स्पीच का आप लिखना चाहते हैं, स्ट्रगल कैसे उसने फ्रीडम फाइट के लिए किया, तो जो आप चाहे उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ओके, क्लैप क्लैप। जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ है, तो आपने क्या लिखा? अबाउट अर्थ लाइफ।
है ना। यहाँ हमने क्या लिख दिया कि ब्यूटीफुली कोटेड दैट अर्थ इज अ लिविंग बीइंग, है ना, अर्थ इज अ लिविंग बीइंग, ठीक है, अर्थ एज ह्यूमन बीइंग। पोर्ट्रेज वर्ड कई बार कहते हैं कि भूल जाते हैं हम, बार बार ना रटने लग रहे, डिस्क्राइब करने लग रहे, अरे वो भी तो घिसा पिटा वर्ड है, उससे अच्छा पीओ आर पोर और टी आर ए वाई ट्रे मिलके बन गया पोर्ट्रेज, चित्रित करता है, पिक्चराइज करता है, इलस्ट्रेट करता है ना, तो अच्छा वर्ड भी है और इजी भी है, मैंने सारे वर्ड इसीलिए छाते हैं ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया कि द स्टोरी एंटरटेन अस थ्रू आउट द स्टोरी ऑफ अ पैरेलल, मान लो डेट ट्रिप का है तो आपका, और मान लो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है तो बामा लिख सकते हैं आप, अबाउट बामास स्ट्रगल जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है ना, तो ये जितकाला सा का आप लिख सकते हो। तो हम ये मैं डिस्कस करूंगा, आप मुझे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन देना, 12th क्लास वाले और 10th क्लास वाले माइंड में छांट कर रखो कि सर ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो रहा, ठीक है, अब मेरे पास कुछ नहीं तो मैं इसमें फिट करके आंसर में नंबर कैसे ले लूं, यही तो मेन चीज है ना कि मुझे नंबर मिलने चाहिए। तो अब देखिए कि द स्टोरी एंटरटेन अस थ्रू आउट द स्टोरी, यही पे फुल स्टॉप डाल दिया, या थ्रू आउट द स्टोरी बाई करके हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, मान लो किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वह सेंटेंस फॉर्म भी कर पा रहा है लेकिन उसको माइंड में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत तो उसके पास, ये मैं ये नहीं कह रहा यही लिखना है, ये कह रहा हूं कि आपके पास खुद के जितने कम हथियार हो यहां से ज्यादा यूज कर लो, ठीक है, अगर आपके पास खुद के ज्यादा है तो यहां से कम ले लो, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ये लिख के आ जाओ, कम से कम 8 में से 6 नंबर तो आप ले लोगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे आगे क्या है, द स्टोरी डिपिक्ट्स विविड पिक्चर, विविड पिक्चर ऑफ क्या, जैसे कि 7th नंबर पे मैंने यहां डाल दिया इंडियन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, क्लियर है, इंडियन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड यानी कि जहां मेल का डोमिनेशन है, पुरुष प्रधान समाज है, वो मैंने लिख दिया पुलिस लाइफ में, क्लियर। अगर मान लो कोई और चैप्टर आप मुझे कहोगे तो मैं उसमें कुछ और फिट करके दिखाऊंगा, क्लियर है। उसके बाद ऑफ एजुकेशन, मान लो 8वें में मैंने लिखा था होल स्टोरी स्पिन्स अराउंड द थीम, अराउंड द थीम करके एजुकेशन है किसी का, तो किसी का पॉल्यूशन है, किसी का यंग जनरेशन है, किसी की सोशल इश्यूज पे है ना, तो वो हमने करके लिख दिया। अब ये बताइए, ये समझ में आ गया, लेकिन अब दिक्कत है कि मैं किस क्वेश्चन को, ये इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे होता कैरेक्टर स्केच का अलग बताऊंगा मैं, क्लियर, तो कैसे मैं पुट करूं उसके लिए, ठीक है। अब जरा आप लोग क्वेश्चंस पूछिए जिसमें मुझे फिट कर ले, तो पूछिए, हाँ अच्छा इवांस ओ लेवल है ना, ठीक है, देखो मैं कैसे फिट कर पाऊं यहाँ पे, इवांस ओ लेवल वाला जो है इज अम्यूजिंग स्टोरी है, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं कह रहा हूँ मजेदार है तो है, ठीक है, मैं क्यों कहूँ बोरिंग है, बैठ जाइए, वेरी गुड है ना। तो उसके बाद मैंने ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज दैट व्हाई क्रिमिनल्स आर हेड टू पुलिस, है ना, उसका मेन क्वेश्चन कई बार यही आता है कि व्हाई क्रिमिनल्स आर हेड टू पुलिस। उसके बाद आपने लिखा दिस इज अ स्टोरी ऑफ इवांस, इवांस के बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद किया वो लिख दो कि इवांस रन अवे फ्रॉम द जेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो अगर आप कहो कि बहुत अच्छा बनाना है तो कि इवांस रन अवे फ्रॉम द जेल इवन डिस्पाइट ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज, द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट इवांस प्लानिंग, इवांस प्लानिंग, किसी को कुछ नहीं आ रहा तो इवांस प्लानिंग, ठीक है, how to run away from there, okay। इसके बाद आपने लिखा कि the story depicts the whole story spins around the theme that police must be treated and so on। मतलब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा और वहां आपने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन और यहां फिट कर दिया आपने कहीं ना कहीं, तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा, okay, very good। The necklace, okay। नेकलेस का मेन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, मटिल्डा ज्यून, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हर, वो बर्बाद क्यों हो गई, ओके सिट डाउन। देखो हमने यहां लिखा द नेकलेस इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन व्हिच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ विमेन नेचर, लॉस ऑफ नेकलेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, लॉस ऑफ नेकलेस लिख दिया, इसमें तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, हालांकि मैं इसका जो भी है क्या क्या लिख सकते हैं वो भी मैं एक ऑप्शन दे दूंगा, बट यू हैव ऑलरेडी चॉइसेस टू मेक सम चेंजेस, आप उसमें चेंज कर सकते हो, यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, जो चाहो आप उसको बदल लो, अगर जो क्वेश्चन का वर्ड है वो भी आप फिट कर सकते हो, और कोशिश करो कि क्वेश्चन के वर्ड तो जरूर आए आपका, तो ये आपका आंसर तैयार हो गया सर।
वेरी गुड, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, वेरी गुड। देखिए द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का मेन क्या है, रिचर्ड अर्कराइट। ओके, तो देखो आपने क्या लिखा, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड म्यूजिक स्टोरी इन विच द ऑथर ब्रिटिन के पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ अ यंग साइंटिस्ट अपराइट, है ना, क्लियर है। और कोई पूछना है? हाँ, लेटर टू गॉड, वेरी गुड। देखिए लेटर टू गॉड एंड म्यूजिक स्टोरी इन द ऑथर ब्रिटिन के पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ अ पुअर फार्मर, चलेगा आगे लंच में लिखे। और कोई जल्दी तैयार रखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम राइड्स द बस, वेरी गुड, सिट डाउन। देखिए यहाँ मैडम राइड्स द बस इज एन लिविंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्रिटिन के पोर्ट्रेज द पिक्चर ऑफ अ लिटिल गर्ल वल्ली और द स्टोरी डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और उसके बाद द होल एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंसिडेंट। ओके, हो गया आंसर। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स ले पाएंगे इस टॉपिक में। और मेरी ये कोशिश है कि एग्ज़ाम डेज में भी आप अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूं आपको विद इन 10 और 12 आवर्स। और कोशिश है कि आप और भी ऐसे कुछ वीडियोज़ मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ इस वीक में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और एग्ज़ाम डेज से पहले पर एग्ज़ाम से पहले भी मेरी कोशिश होगी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।